अभी पहला पीरियड है आपका। कौन सा विषय होता है पहले पीरियड में? क्या होता है? वाटिका। वाटिका यानी हिंदी होती है, ठीक है। आपकी हिंदी का नाम है पाठ्य पुस्तक का वाटिका। आज हम आपको पढ़ाएंगे कौन सा पाठ? विजय पर्व, पाठ 16 विजय पता चलेगा, ठीक है। तो पहले हम इसको रीडिंग हमने आपको कल करवाई थी इसकी, और हमने उसका सारांश भी आपको बता दिया था, और आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए हम आपको दीक्षा की एक वीडियो दिखाएंगे, उसको आप अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद हम अभ्यास कराएंगे, दीक्षा की भी मदद लेंगे, और एक पीपीटी भी हमने तैयार की है, पीपीटी के माध्यम से भी आपको पढ़ाएंगे। तो आप तैयार हैं? यस सर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं दीक्षा वाले वीडियो, आइए। आज की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं बच्चों। आज हम जानेंगे पांचवी कक्षा के बाद विजय पथ के बारे में। तो बच्चों, आप विजय का मतलब जानते हैं? विजय का मतलब क्या होता है? हाँ, विजय का मतलब होता है जीत, और पथ, पथ का मतलब रास्ता। तो विजय पथ का क्या हुआ फिर? विजय पथ का मतलब हुआ, विजय पथ का मतलब जीत का रास्ता। विजय पथ का मतलब हो गया जीत का रास्ता, वेरी गुड। आगे चलते हैं। मतलब हुआ जीत का रास्ता। तो जीत का रास्ता कैसे होता है, या उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये पाठ हमें कुछ वैसा ही सिखाता है। बच्चों, मैंने कुछ पंक्तियां जो कहीं पढ़ी थी, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, यह भी सही वह भी सही। तो बच्चों, इसका मतलब है कि हम संघर्ष कर, हम संघर्ष ही हमारा जीवन है। हमें पंक्तियां सुनाई, इसका क्या मतलब हुआ? हार में जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, इसका क्या हुआ? हार हो चाहे जीत हो, मुझे इसका भय नहीं होता। अगर हम ये सोचे किसी प्रतिस्पर्धा में जाने से पहले, किसी कंपटीशन में जाने से पहले हम ये सोचे कि भाई हम तो हार जाएंगे, तो क्या आप कंपटीशन में जा पाएंगे? हार हो या जीत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, मुझे कोई भय नहीं है हार जीत का, कर्तव्य पथ पर जो मिले। अरे हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, यदि हमें क्षमता है हम अपना काम कर रहे हैं, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, जीत को देखो भी ठीक हार जाए तो भी ठीक। हमारा काम है कि हमें अपना बेस्ट करना है, अब उसमें कोई हमसे टेंशन करने आएगा तो जीतेगा, हम सबसे अच्छा करेंगे तो हम जीत जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहिए, और आप लोग चढ़ाते एक दूसरे को हार जाता है तो हम मना करते हैं, इसलिए कभी किसी को हारने वाले को चढ़ाना भी चाहिए नहीं चाहिए, चढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चढ़ाने से क्या है वो हतोत्साहित हो जाएगा, उसके उत्साह में कमी आ जाएगी, और तो आगे आने वाले समय में वो प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाएगा। संघर्ष करना है, चाहे हमें जीत मिले और चाहे हार मिले, हमें उससे विचलित नहीं होना है, बस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। तो बच्चों, जैसे जीत हर एक चीज का प्रकृति ने एक जोड़ा बनाया है, जैसे अंधेरा उजाला, दिन रात, सुबह शाम, उसी तरह से हार और जीत। तो बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े रहते हैं, तो हमें जीत लेने पर बहुत उत्साहित नहीं हो जाना है, अपने लिए मेहनत तभी जारी रखनी है, और हार मिलने पर हताश होकर बैठना नहीं है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, ताकि हम जीत प्राप्त कर सकें। तो जैसे आपने देखा होगा चींटियां जो दीवार पर चढ़ रही होती हैं, तो वो कुछ दूर जाती हैं तो नीचे गिर जाती हैं, फिर जाती है कुछ दूर और नीचे गिर जाती है, लेकिन ये आती नहीं है, बार बार चढ़ती हैं, बार बार चढ़ती हैं,
आगे बढ़ना है। तो बच्चों हमारा ये पाठ विजय व्रत ये भी हमें कुछ ऐसी ही शिक्षा देता है। तो आप सबने जो इसमें कहानी है वो पहले भी पढ़ रखी है, कछुए और खरगोश की कहानी। लेकिन इस कहानी के माध्यम से हम और क्या क्या जान सकते हैं हम इस पाठ में सीखेंगे, और क्या क्या सीख सकते हैं ये पाठ में, और किस तरह की विधाएं सिखाता है वो हमें इस पाठ से पता चलेगा। तो बच्चों खरगोश और कछुआ दोनों पक्के मित्र थे, और एक दिन खेलते हुए आपस में बात करते हुए खरगोश ने कहा क्यों ना हमारी दौड़ हो जाए। तो कछुए ने कहा मैं तैयार हूँ। तो दोनों एक से मैं तैयार हूँ कहाँ लिखा है अपने खड़े होकर बताओ, ना लिखा है मैं तैयार हूँ। खरगोश और कछुआ कह रहे थे खरगोश ने कछुए से दौड़ निकली प्रताप में क्यों ना हमारी और तुम्हारी दौड़ हो जाए। तो कौन कह रहा है यस अब तुम क्या कहते हैं मैं तैयार हूँ, किसने कहा कछुआ ने। रेली उत्ताली के लिए और कछुए ने कहा मैं तैयार हूँ। दौड़ के दिन की घोषणा पर वो निश्चिंतता कौन खरगोश जिनकी घोषणा होगी कि भाई दौड़ होगी खरगोश पर निश्चिंतता की तो बहुत दिन होगा उसको घमंड था। घमंड बहुत बुरी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड किसी बात का आ जाता है ना तो आदमी का पतन शुरू हो जाता है। हमारे अंदर कोई योग्यता है अच्छी बात है जो उसका अभिमान नहीं होना चाहिए, दूसरे को कम नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा फिर क्या हुआ कछुए ने तैयारी तेज कर ली और गिरे में सीटी बजाकर दौड़ा प्रारंभ कर दी। दौड़ के लिए तैयार हो गए। फिर दोनों ने अपने साथियों को बुलाया और जंगल में रास्ता तय हुआ, गंतव्य तय हुआ कि कहां से कहां तक की दौड़ होगी। फिर उसके लिए दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी। खरगोश की चाल तेज होती है आप सब जानते हैं, उसे विश्वास था अपनी जीत पे। लेकिन कछुआ आप जानते हैं धीमे चलता है, लेकिन वो अपनी दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसने मेहनत शुरू कर दी। और फिर दौड़ का दिन भी निश्चित था। फिर कछुए ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी, गिलहरी ने सीटी बजाकर दौड़ प्रारंभ की। जिस दिन दौड़ के लिए जगह निश्चित हुई थी गिलहरी ने सीटी बजाई और उस निश्चित स्थान से दौड़ प्रारंभ हुई। और फिर कछुआ धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन खरगोश आप सब जानते हैं तेजी से दौड़ता है और वो तेजी से दौड़ते हुए आगे निकल गया बहुत दूर जहां से उसे कछुआ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के पास पहुंचा और पेड़ की बहुत घनी छाया थी। तो उसने सोचा क्यों ना इस पेड़ के नीचे में आराम करूं। और वहां पर पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी थी जो चहचहा रही थी और ठंडी ठंडी मंद मंद हवा चल रही थी। बच्चों जब तेज हवा चलती है तो धूल भी होती है, लेकिन जब हवा मंद मंद चलती है तो बहुत अच्छी लगती है और पेड़ की छांव में ठंडी ठंडी हवा तो खरगोश को बहुत अच्छी लगी। और ऐसे वातावरण में खरगोश को नींद आ गई। फिर कछुआ जो है वो अपनी मंद गति से लगातार धीरे 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 अपने गंतव्य की ओर चलता रहा और फिर वो अपने स्थान पर गंतव्य पर पहुंच गया। और उसने सोचा कि कछुआ तो पहले ही पहुंच चुका होगा, लेकिन उसने जब इधर उधर देखा उसे कछुआ कहीं भी दिखाई नहीं दिया, सॉरी उसे खरगोश कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फिर खरगोश हम बताते हैं हुआ क्या कि खरगोश जब बैठ गया आराम करने के लिए उसने सोचा
सोचा कि मेरे बराबर क्या दौड़ेगा, मैं इससे पहले दौड़ के आ गया पेड़ के नीचे, थोड़ा आराम कर लिया जाए, ओवर कॉन्फिडेंस अभिमान, थोड़ा आराम कर लूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, चिड़िया चहक रही थी, चिड़िया भी चीख रही और ठंडी हवा सुन के उसको नींद, जब नींद आ गई तो मैं और कछुआ अपनी चाल से धीमे 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 चलता रहा। अपने मन में सोच रहा था कि खरगोश तो पहुंच गया होगा, वो तो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन जब कछुआ वहां पहुंचा एंड लाइन, उसको एंड लाइन बोलते हैं जहां रेस खत्म होती है, छुना होता है एंड लाइन, तो एंड लाइन पे जब कछुआ पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो खरगोश है ही नहीं, जैसे उसने एंड लाइन को टच किया तो विजेता हो गया, सब लोगों ने उसको फूल मालाएं पहनाई, उसका स्वागत किया। अरे उसने कहा मैं तो रेस जीत गया, अब उधर उस कछुई की आंख खुली, जब नींद आ जाती है तो अपने हाथ में तो होता नहीं है, सो गए कब तक सोएंगे, अब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली और उसको ध्यान आया अरे मैं तो सो गया, कछुआ तो निकल गया होगा, बोला अभी जाकर देखता हूँ, अभी दौड़ पूरी करता हूँ। अब वो जब तक दौड़ के तेजी से गहरा जाकर देखा कि कछुआ तो पहले पहुँच चुका है और जीत चुका है, इस वजह से उसके आलस की वजह से तेज दौड़ने के बाद भी खरगोश दौड़ नहीं जीत गया, जीत नहीं पाया। और कछुआ क्यों जीत गया, अगर कछुआ प्रतिस्पर्धा में आने से पहले ये सोच लेता कि यार ये तो बहुत तेज दौड़ता, कहाँ कछुआ कहाँ खरगोश, खरगोश एक जंप मारता है तो 5-4 मीटर 7 मीटर तक चला जाता है, जब वो चलता है तो 15-20 फीट की जंप मारता है, वो वैसे वो चलता है बहुत तेज गति से, और कछुआ बेचारा धीरे धीरे धीरे। तो इस कहानी का मतलब क्या हुआ कि कोई अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे, कोई अपने आप को बहुत छोटा ना समझे, प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा होती है। अभी जो मैडम ने सुनाया था हार में जीत में किंचित नहीं रहूप में, बहुत अच्छा है, आपको भी इसी तरह से प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहिए, हार जीत का भय नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपके समझ आ गया होगा, आ गया ठीक है, लाइट भी चलेगी, इसको भी बोल देते हैं थैंक यू, धन्यवाद।